नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JST नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह आपको स्वास्थ्य विभाग की हर एक भर्ती की अपडेट मिलती रहे। तो बात करते हैं वैकेंसी की, जो कि आज रहने वाली है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ से है, जिसमें बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर पहली है साइकेट्रिक नर्स के लिए, यहाँ पर एक पोस्ट है, 31,500 रुपये सैलरी रहने वाली है। अगली पोस्ट है स्टाफ नर्स की, DPHNS के अंतर्गत है, 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है, टोटल एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर तो MSc नर्सिंग प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, उसके बाद BSc नर्सिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। फिर है MO आयुष की है, MO RBS के अंतर्गत है, एक पुरुष की है, पुरुष के लिए 2 हैं और महिला के लिए 2 हैं। अगली है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। फिर है स्टाफ नर्स NHM के अंतर्गत है, 16,500 रुपये सैलरी रहने वाली है, टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट हैं। BSc क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc नर्सिंग और JNM नर्सिंग होना अनिवार्य है और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। अगली पोस्ट है स्टाफ नर्स की, यहाँ पर NRC के अंतर्गत 16,500 रुपये सैलरी रहने वाली है, जिसमें 4 पोस्ट है टोटल। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc और JNM होना अनिवार्य है और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। स्टाफ नर्स की अगली पोस्ट है जहाँ पर NBSU के अंतर्गत है, 16,500 रुपये सैलरी रहने वाली है, टोटल 3 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन वही BSc और JNM होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार देख सकते हैं आप ऑनलाइन आवेदन। आवेदन फॉर्म की लास्ट तारीख की बात करें तो 15/3/2021 तक आप शाम को 5 बजे तक आपको आवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 15/3/2021 5:30 बजे तक निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है, कैटेगरी वाइज है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको आपको भर के भेजना होगा शुल्क के साथ। और दोस्तों, ये PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ से जा एक बार फॉर्म भरने से पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह आपको स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।